पूरी दुनिया में भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर ये जाहिर कर दिया है कि अगर भारतीय चाहें तो उनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, फिर चाहे वो एशियन गेम्स हो या फिर ओलंपिक जैसा बड़ा आयोजन, जैसा कि एशियन गेम्स में भी देखा जा सकता है जहां भारतीय खिलाड़ियों ने 100 से ज्यादा पदक जीतकर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है, तो वहीं सरकार ने भी ऐसे खिलाड़ियों को सम्मानित कर उनके मनोबल को बढ़ाने का काम किया है। सरकार ने ओलंपिक गेम्स में गोल्ड हासिल करने वाली टीम को पर प्लेयर 3 करोड़, सिल्वर हासिल करने वाली टीम को पर प्लेयर 2 करोड़ और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली टीम को पर प्लेयर 1 करोड़ रुपए देने की बात कही है। इसके साथ ही ओलंपिक गेम्स में शानदार प्रदर्शन कर गोल्ड लाने वाले खिलाड़ियों को 6 करोड़, सिल्वर हासिल करने वाले खिलाड़ियों को 4 करोड़ और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को 2 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया गया है। लेकिन ये सिलसिला सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता। प्रदेश और देश की डबल इंजन की सरकार ने एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और वर्ल्ड कप जैसे आयोजनों में शानदार प्रदर्शन करने वालों को भी खासी बड़ी रकम देने की बात कही है, जिसमें एशियन गेम्स में गोल्ड लाने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़, सिल्वर हासिल करने वाले खिलाड़ियों को 1.5 करोड़ और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को 75 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। वहीं बात अगर कॉमनवेल्थ गेम्स और वर्ल्ड कप की करें तो यहां भी गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को बड़ा इनाम दिया गया है, जहां गोल्ड लाने वाले खिलाड़ियों को 1.5 करोड़, सिल्वर हासिल करने वाले खिलाड़ियों को 75 लाख और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को 50 लाख रुपए देने की बात कही गई है। सरकार खिलाड़ियों को इनाम के तौर पर बड़ी धनराशि देगी और खिलाड़ियों से भी यही उम्मीद रहेगी कि खिलाड़ी भी भविष्य में इससे और भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे। तो वहीं सरकार अब वाराणसी में भी एक बड़े क्रिकेट स्टेडियम को तोहफे के रूप में देने जा रही है, जो वाराणसी के राजा तालाब के गंजरी में लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से 30 एकड़ से अधिक क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। इस स्टेडियम की विषयगत वास्तुकला भगवान शिव से प्रेरित है, जिसमें अर्धचंद्राकार छत कवर और त्रिशूल के आकार के फ्लड लाइट होंगी। तो वहीं अगर सरकार के खेल के क्षेत्र में किए गए कामों पर गौर करें तो पहली बार यूपी में स्पोर्ट्स पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया। आयुष्मान भारत योजना के तहत खिलाड़ियों का मेडिकल इंश्योरेंस, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी, संसद खेल महाकुंभ का आयोजन, गोरखपुर में प्रदेश का पहला 5 एकड़ में बना वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, नए खिलाड़ियों को गाइड करने के लिए खेल साथी ऐप, ग्रामीण इलाकों में 100 से ज्यादा स्टेडियम बनाना जिन्हें युवक और महिला मंगल दल संभालते हैं, ग्राम पंचायतों पर 80,000 युवक और महिला मंगल दल बनाना, इसके साथ ही एकलव्य क्रीड़ा कोष को बनाना और स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड में 25 करोड़ रुपए भी सरकार की तरफ से दिए गए हैं। तो वहीं सरकार फिट इंडिया और एक जनपद एक खेल प्रोग्राम और खेलो इंडिया जैसी स्कीमों को लोगों तक पहुंचा रही है। सरकार की इन्हीं तमाम कोशिशों का नतीजा है कि भारतीय खिलाड़ी विश्व स्तर पर अपना परचम लहरा रहे हैं और उम्मीद है कि उनका प्रदर्शन आगे ऐसे ही कायम रहेगा।